भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनेंजा। लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन। विनायक श्री ट्रेडिंग कंपनी, हमारे यहाँ जी आई के दरवाजे और खिड़कियों की चौखटे तैयार की जाती है, वो भी बाजार से कम मूल्य में, लकड़ी और एल्यूमिनियम से भी बहुत कम दामों में। टिकाऊ, किफायती, दीमक रहित, सालों साल चलने वाला स्टील सेफ्टी के साथ आज ही संपर्क करें। ज्वाली विधानसभा हलके के विकासखंड नगरोटा सूर्या की पंचायत वंतुंगली निवासी केंथू राम का मकान अचानक गिर गया। गनीमत यह रही कि मकान दिन में गिरा और अंदर कोई नहीं था, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती। कोई भी दूसरा आशियाना नहीं होने के कारण केंथू राम का परिवार अब खुले में खेतों में सामान रखकर सोने को मजबूर है। गरीब केंथू राम अपंग है और उसका बेटा दिहाड़ीदार है। परिवार में 9 सदस्य हैं। ऐसे में उन्हें परिवार पालने में पहले ही परेशानी उठानी पड़ रही है और अब मकान गिरने से उसकी मुसीबत और बढ़ गई है। केंथू राम ने बताया कि एक साल पहले बरसात में उसका मकान दरक गया था और मकान मुरम्मत की पटवारी ने रिपोर्ट भी बनाई थी, लेकिन उन्हें मकान की मुरम्मत के लिए आज तक कोई भी धनराशि नहीं मिली। अगर प्रशासन समय पर मकान मुरम्मत के लिए धनराशि उपलब्ध करवा देता तो आज उसका मकान नहीं गिरता। उन्होंने प्रशासन व सरकार से गुहार लगाई है कि उसे मकान बनाने के लिए सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाए। वहीं उसने प्रशासन से रहने की अस्थायी व्यवस्था करने की भी गुहार लगाई है। मैंने पिछले साल ही यदि मतलब रिपेयर वास्ते एक साल हो गया, आज तक मुझे कुछ नहीं मिला। उसके बाद मेरा मकान सार गिर गया, इसका जिम्मेवार कौन है? हूँ मेरे पास रहने की कुछ जगह नहीं है। पांगा दम है, 70% है, 70% है, ना कुछ मेरा कोई कमाने का कोई नहीं है। मैं भगवान दास हूँ, सन ऑफ केंथू राम। एक साल पहले हमारा घर बरसात के दिनों में डैमेज हो गया था और हमने प्रशासन से रिपेयर के लिए सहायता मांगी थी, पर आज तक हमें कोई भी सहायता नहीं मिली, जिसके कारण हमारा घर टूट गया है और ये कम से कम 5 लाख का नुकसान है। और मेरे पिताजी 70% अपंग है और मैं घर का अकेला आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करने वाला, और हम घर के 9 सदस्य हैं। प्रशासन से भी अपील की है पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना तो किसी ने टेंट दिया हमें और हम खेत में सो रहे हैं। और मोदी सरकार ने मदद, वो भी मदद हमें नहीं मिली। और जो पीएम आवास योजना की मकान भर रहे हैं, मेरे गांव में कुछ सरकारी अफसरों के जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके भी मकान आ गए, जिनके पास 2000 स्क्वायर फुट का मकान पक्का है उनके लिए मकान आ गए। पर पता नहीं ये सिस्टम लाचार है, जिसको मकान मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा। मेरे अभी तक कोई, और मेरा तो सारा घर टूट गया है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।